नमस्कार, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। बेटियों के साथ बलात्कार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे, आए दिन बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं। मथुरा जनपद के थाना जमुनापुर क्षेत्र में 12 वर्षीय बालिका के साथ दुराचार करने का मामला प्रकाश में आया है। यहां पीड़िता के पिता द्वारा थाना में मामला दर्ज कर बलात्कारी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई है, जहां पुलिस ने कामयाबी हासिल करते हुए 12 साल की मासूम बच्चे के साथ दुराचार करने वाले बलात्कारी को काबू कर लिया है। आपको बता दें कि एक दिन पूर्व थाना यमुनापार क्षेत्र में 12 वर्षीय बालिका के साथ दुराचार का मामला प्रकाश में आया था। मिली जानकारी के अनुसार थाना यमुनापार क्षेत्र की रहने वाली 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची करीब 9 बजे घर का सामान लेने के लिए गई हुई थी, तभी रास्ते में पास ही रहने वाला एक युवक उसे रास्ते में मिला और उसे रास्ते में रोक लिया और प्रसाद खिला दिया। प्रसाद खाने के बाद बच्ची बेहोशी की हालत में हो गई और वह दरिंदा बालिका को अपने साथ ले गया। काफी समय तक बच्चे के घर ना पहुंचने के कारण बच्चे के परिजनों में हड़कंप मच गया और उसे ढूंढने के लिए घर से बाहर निकले। काफी देर तलाश किए जाने के बाद भी बच्ची का कोई पता नहीं चल पाया। तब जाकर बच्चे के परिजनों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बच्ची की तलाश शुरू कर दी, लेकिन बच्चे के परिजनों को पड़ोस के ही रहने वाले युवक पर शक होने लगा और उससे पूछताछ करने लगे। पूरी रात गायब होने के बाद पीड़िता सुबह बदहवास हालत में अपने घर पहुंची। यहां उसने अपने परिजनों को अपनी आप बीती बताई। बेहोश होने पर वह बच्ची को अपने साथ उठाकर ले गया। यहां उसने रात भर बालिका के साथ कई बार दुराचार की घटना को अंजाम दिया और उस बालिका को जान से मारने की धमकी देते हुए रात भर उसके साथ दुराचार करता रहा। लेकिन दुराचारी को जैसे ही पता चला कि पुलिस गायब हुई बच्ची को ढूंढ रही है, तो उसने बालिका को जान से मारने की धमकी देते हुए घर से भगा दिया। बदहवास हालत में बच्ची घर पहुंची। बालिका ने सारा माजरा घर वालों को बता दिया। यहां पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए पोस्को एक्ट के तहत धारा 376 व अन्य कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर उसे उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस द्वारा कड़ी से कड़ी पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। वहीं पुलिस ने इस मामले में 24 घंटे के अंदर सफलता हासिल करते हुए कानून का इकबाल बुलंद किया है। फिलहाल पकड़े गए आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है। थाना क्षेत्र में एक अभी पकड़ा गया है, क्या मामला है पूरा और किस तरीके से उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त की है? ये जनपद मथुरा में थाना यमुना पार्क के अंतर्गत एक अभियोग 179/19 धारा 376 और 3/4 500 एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। इसमें SC ST अभियोग भी SC ST एक्ट भी साथ में लगा है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और पीड़िता का मेडिकल आदि कराया जा रहा है और इसमें इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अब हम लोग काट गए, इसमें कुछ लिखा नहीं है, देखने तो लगता है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।